स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो हम आ चुके हैं हरिद्वार और हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने। ये हमारे दोस्त जो कि लिफ्ट को रोके रखे हैं। चल पड़ी हमारी लिफ्ट। पटेल साहब का सिर दुख रहा है सुबह सुबह ही, इनको गंगा स्नान करा के इनका सिर ठीक करना पड़ेगा। भाई यूं ही खुलेगी मतलब ये खड़ी अपनी गाड़ी यहाँ पे। तो हम लोग पार्किंग से निकालते हैं गाड़ी और जा रहे हैं गंगा स्नान करने। हम अभी आ चुके हैं हर की पेड़ी पे। यहाँ पे हम करेंगे गंगा मैया के पावन जल में स्नान। आप देख सकते हैं निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी खड़ी है हमारी पार्किंग में। देखते हैं वहाँ पे जाके आगे क्या प्लान बनता है। तो हम लोग आ चुके हैं अभी गाड़ी के पास और आप गाड़ी की कंडीशन देख ही सकते हैं, पूरी कीचड़ में गंदी हो रही है। अब हम लोग निकलेंगे हरिद्वार से नेपाल के लिए। हम वहाँ जाएंगे काठमांडू पशुपतिनाथ जी के मंदिर में। और निकलने से पहले आपको एक सीन बताते हैं जो रास्ते में हुआ था, जिसकी हमने पहले वीडियो शूट नहीं करी, पर अब बताते हैं कि क्या हुआ था रास्ते में। तो ये आप देख सकते हैं, ये अपनी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में। तो इसकी पूरी पिक्चर बताते हैं अपन के कैसे क्या हुआ था। ये यहाँ से यहाँ डैमेज हुआ है, ये जो साइड फेंडर अंदर घुस चुका है। इसकी मैं पूरी पिक्चर बताता हूँ क्या हुआ था। भाइयों ऐसा हुआ था कि एक साथ चार बस आई थी, तो चार बस में से क्या हुआ कि मोड़ वाला रास्ता था, तो मोड़ वाले रास्ते पे हमने साइड से पूरी दबा दी थी गाड़ी और रोक दी थी। तो सामने से जो चारों बस जब निकल रही थी, तो दो बस तो निकल चुकी थी और तीसरी बस निकलते टाइम या बतेले दो, तो तीसरी बस निकलते टाइम क्या हुआ कि जो तीसरी बस वाले ने गाड़ी अंदर दबा दी एकदम से, और जो ड्राइवर साइड यहाँ पे बस टच हो गई, तो ये फेंडर पूरा अंदर घुस गया और ये साइड की जो प्लास्टिक की क्लेडिंग रहती है वो टूट गई। और ये सब तो ठीक है, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्योंकि दरवाजा नहीं खुलने का कारण ये है कि यहाँ से गाड़ी टकराई तो ये जो फेंडर है ये थोड़ा सा अंदर घुस गया। दरवाजे में कोई भी डैमेज नहीं है, पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, तो हमने इसको ठीक भी नहीं किया, क्योंकि अगर यहाँ से कुछ करेंगे तो क्या है कि दरवाज़ा भी डैमेज हो जाएगा, फिर दरवाजे का भी नुकसान होगा। तो इससे अच्छा हमने इसको कुछ भी नहीं किया। और जब गाड़ी टकराई थी तो हमारी बस वाले से सॉरी बहस भी हुई, पर वो क्या है कि उसमें सब बुज़ुर्ग थे और तीर्थयात्री थे, तो हमने उससे ज़्यादा बहस नहीं करी और हम वहाँ से निकल लिए, क्योंकि अगर गाड़ी घोड़ा है नुकसान तो होगा, तो हम ये तो करवा लेंगे घर जाके ठीक। तो जो होना तो हो गया, अपने चलते आगे रूट पे, अपन तो अपना टूर एंजॉय करते हैं, ये तो हो जाएगा सब इंश्योरेंस मीटिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह तो बंद हो चुका है, तो देखो इधर वाले दरवाजे से ड्राइविंग सीट पे जाना पड़ता है बार बार, मैं जा रहा हूँ ड्राइविंग सीट पे। तो हमको ऐसे घुसना पड़ता है ड्राइविंग सीट पर, क्योंकि ये दरवाजा तो हो चुका है। तो ये तो जब तक घर जाते हैं तब तक ऐसा ही रहेगा। तो चलते हैं अपन आगे अपनी ट्रिप पे। अभी हम रुके हैं फैमिली रेस्टोरेंट ढाबे पे, यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं हम। तो खाना खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं आगे। तो आज का अपना खाना दही मटर पनीर मिक्स वेज होटल दाल तड़का। खाना खा के निकल चुके हैं अब ड्राइव करेंगे हमारे सुरेश भाई और हम बैठे हैं साइड से, और तरुण ये स्प्राइट पी रहे हैं। निकलते हैं
निकल चुके हैं अभी। हम लोग रुके हैं अभी यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश का पीलीभीत क्षेत्र है। इधर पता नहीं है कौन सी फसल लगाई हुई है अभी भी। अधिकतम खेत में पानी भरा हुआ है इधर, तो सारे खेत में फसल लगी हुई है। ये हमारे पटेल साहब हो गए, तबीयत ठीक साहब? ठीक हो गई, मस्त बढ़िया। ये सुरेश जी उनकी ड्राइव कर रहे हैं, लेटे हुए गाड़ी में। और ये देख सकते हैं, ये हुआ था जो भी है गंगोत्री जाते टाइम। इसको लगभग 4 से 5 दिन हो गए, पर हमने इसको अभी तक ओपन ही नहीं किया है किसी के सामने। जो भी है सब ठीक ही है, हो जाएगा वो तो ठीक। बस ये फेंडर है, बस इसी पे डेंट है, बाकी बम्पर भी ठीक है, सब ठीक है। ये अपनी टंकी 5वीं बार फुल होती हुई। और यहाँ पे रेट है 90, 90.94 अपने अभी रात की बज रही है 8:44 और हम लोग अभी है प्रधान नाम के गांव में। अब ट्रेन निकल चुकी है, अब खुलेगा गेट आगे का। और ये हमारे सुरेश जी आराम फरमाते हुए पटेल साहब काफी कमजोर, काफी उदास। वो कमजोर नहीं है, इतने कमजोर क्या हो रहा है आपको? गर्मी गर्मी दस दिन की गर्मी इनमें भरी हुई है। सूरज अपने घर में फटक
थोड़ा सा बढ़ रहा है अभी, कहीं भी 250 किलोमीटर के आसपास तो सुबह तक पहुंचना है हमको नेपाल बॉर्डर, फिर वहां से क्रॉस करके जाएंगे काठमांडू। सुबह की 4:16 हो रही है, आ चुके हैं नेपाल बॉर्डर पे। ये रहा नेपाल का गेट, तो 6 बजे खुलेगा ऑफिस, उसके बाद ही हमको एंट्री मिलेगी उधर। बंसार ऑफिस खुलेगा 6 बजे और गेट भी खुलेगा 6 बजे। तो ये रहा नेपाल का गेट, हम लोग पी रहे हैं नेपाल की चाय। और ये रहा नेपाल का गेट और उधर वाला इंडिया का गेट, और अभी हम इंतजार कर रहे हैं बंसार ऑफिस खुलने का, क्योंकि यहाँ पे हमको बंसार बनाना पड़ेगा नेपाल के अंदर गाड़ी ले जाने के लिए, मतलब अंदर तो आ ही चुके हैं और ज़्यादा अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि फिर उधर पुलिस वाले पकड़ेंगे और बंसार मांगेंगे, इसलिए हमको यहाँ पे बंसार बनवाना पड़ेगा पहले, फिर हम अंदर जा सकते हैं। ये ऑफिस खुलेगा सुबह 8 बजे और हम इंतजार कर रहे हैं अभी खुलने का। तो अब करवा लेते हैं अपने पैसे चेंज इंडियन में से नेपाली करेंसी करवा लेते हैं। ये अपनी नेपाली करेंसी, ये 100 का नोट, ये 500 का नोट, अपन अपने 100 रुपये देते हैं तो यहाँ के अपने को 160 रुपये मिलते हैं, मतलब अपन ने 1000 दिए तो 1600 देंगे। ये रेट है नेपाली करेंसी का। तो बंसार ऑफिस में लाइन लगना चालू हो गई है, जा के लाइन में लगते हैं और अपना गाड़ी का बंसार बनवा लेते हैं। तो अभी अपनी ओरिजिनल RC और लाइसेंस दिखा के ये वाली स्लिप बन गई है, और हमको लगना है ये वाली लाइन में। तो ये बन चुका अपना बंसार, अब इसको पे करना है बस। ये अपन ने वहाँ पे कर दिया है नेपाली के, 1000 रुपये लगते हैं यहाँ पे, एक दिन का 500, मतलब 2 दिन का 1000, और अपने इंडिया का अगर देखे जाए तो 312 रुपये लगते हैं एक दिन के। तो ये साइन वगैरह करवा के हो चुका अपना बंसार कंप्लीट, और अपन चलते हैं अपनी गाड़ी लेके। 2 दिन का बंसार कटवाया है, एक दिन काठमांडू जाने का और एक दिन उधर से रिटर्न आने का, 2 दिन लगेंगे अपने को नेपाल में। ये हम लोग चल पड़े हैं नेपाल में, तो ये है नेपाल के रोड, बिल्कुल खाली खाली, ना कोई गाड़ी है ना कुछ है, कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर कोई गाड़ी घोड़ा खरीदता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ इतनी महंगी है। अभी इस गाड़ी की प्राइस हमने यहाँ पे पूछी तो उन्हें 55 लाख रुपए बताई है, जबकि ये हमारे इंडिया में आ जाती है 14 लाख में। अब देख लो कितने ज़्यादा रेट है। तो यहाँ पर कोई गाड़ियाँ खरीदता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगता है 230% टैक्स। तो हमारे साथ भी हो गई है चोट, क्योंकि हम जा रहे थे काठमांडू और वहाँ का रास्ता का जो पहाड़ था बीच का वो ढस चुका है,
तो वो दो तीन दिन तक नहीं खुलेगा, इसलिए हम तो रुक नहीं सकते, हम तो जा रहे हैं अयोध्या। जय श्री राम। अब राम की नगरी में ही मजे लेंगे हम। हम आ चुके हैं नेपाल में, नेपाल बॉर्डर के पास थे तो हम सभी बहुत खुश थे कि हम नेपाल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आके हमें पता चला कि ये बहुत ही मादर जोत सिटी है। आज के बाद तभी नहीं आएंगे, ये बंगाल जैसे नेपाल कुछ नहीं है, विदेश। तो वापस अब नेपाल से बाहर जा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। जाके रोड तो पूरे खाली है, क्यों सुरेश? रोड पूरे खाली है, यहाँ की गाड़ी घोड़ा नहीं है यहाँ पे नेपाल में, महंगी वाड़ा बहुत है, बाइक के 3 लाख लगते हैं तो कोई लेके नहीं आता यहाँ पे। ये हम घुस रहे हैं वापस भारत में, क्योंकि हमको नेपाल में इतना जमा नहीं, हमने सोचा है चलो भारत ही चलो, जो है अपने इंडिया में ही है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो भारत से नेपाल में बारात जा रही है, यूपी की गाड़ी है, और ये अपना इंडिया का गेट। नेपाल वालों को सही करेगा, मिक्स हो जाए यहाँ पे सब इंडिया और नेपाल वाले। ये भारत में आते से ट्रैफिक चालू, इसको बोलते इंडिया, मजे तो इंडिया में ही है, बाकी कहीं भी नहीं है। हाँ तो भैया ये इधर है नेपाल, कहीं भी चले जाओ पर नेपाल में कभी नहीं होगा। ये चप्पल है उमदा सोच दिया नेपाल के नाम से, ये बटन साहब ने उनका जूता सोख दिया है, अब नेपाल का नाम नहीं लेंगे कभी भी, क्योंकि नेपाल बहुत ही चोर देश है, चोर मतलब जही भी देखो पैसा खाने की कोशिश करते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए उनको, कोई मतलब ही नहीं कि कोई बाहर से टूरिज्म आया है कि क्या है। और यहाँ पे हमने हमारे इंडिया में आके अभी चाय नाश्ता किया है, करके अब रवाना हो चुके हैं अयोध्या के लिए। और अयोध्या यहाँ से कुल पड़ रहा है 150 किलोमीटर के आसपास, तो 2-3 घंटों में पहुँच जाएंगे अयोध्या। तो मैं कर रहा था रात भर से ड्राइव, तो अब मुझे आ रही नींद, तो अब कर रहे हैं हमारे अंकित जी ड्राइविंग। अभी के टूर में टाइम बैठाऊंगा, पहली बार बैठे हैं, क्योंकि सुरेश ने कल दिन भर ड्राइव करी थी और मैंने रात भर करी थी, तो हम दोनों थक चुके हैं, तो अंकित जी के ऊपर जिम्मा आया है ड्राइविंग करने का। से कुछ भी 40 किलोमीटर और दूर है, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे अयोध्या। अभी हम लोग आ चुके हैं श्री राम की पावन धरती अयोध्या में, जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो अभी हम लोग स्नान करेंगे सरयू नदी में, तो हम स्नान करने की जगह ढूंढ रहे हैं अभी व्यवस्थित। हम लोग नहा के निकल चुके हैं, अब हम जाएंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में, तो चलते हैं मंदिर में और करते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन। हमारे जो भी आसपास के घर है सब तोड़ दिए हैं, और जो रास्ता है उसको बिल्कुल सही किया जा रहा है, ताकि रास्ते की चौड़ाई बड़ी बढ़ जाए। ये देख सकते हैं, ये राम मंदिर के रास्तों का भी काम चल रहा है अभी, और मंदिर का भी चल रहा है आगे। ये राम मंदिर का रास्ता, यहाँ पे नालियाँ वगैरह भी बन रही है,
और पूरा रास्ते का काम चल रहा है। तो इधर है राम मंदिर, तो हमको मोबाइल और घड़ी वगैरह सब हमको जमा करवानी पड़ेगी, क्योंकि अंदर घड़ी और मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं, परमिशन नहीं है अंदर ले जाने की। तो हमको लॉकर लेके जमा करवाना पड़ेगा। ये रहे लॉकर, तो इस लॉकर में हम रख रहे हैं हमारे मोबाइल। और ये इधर है मंदिर, ट्रेन वगैरह है इधर, वो इधर काम चल रहा है। मोबाइल, पेन, घड़ी, दवा, रिमोट, चाबी, कान का लीड, बैग, झोला, लड्डू का प्लेट सब दे दीजिए। पैसा निकल लेके जाइए बस। ये क्या बोलते हैं इसे, ये सिगरेट, ये भी नहीं, सब 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 रख दे उसको, पहन नहीं, पहनने नहीं रहने, पहन लगा खड़ा चलेगा। देखो ये अच्छी चीज है नहीं, हाँ ये सब चीज़ें। और ये जो मोबाइल जिससे कर रहा हूँ वो। तो जय श्री राम सभी को। हम लोग आ चुके हैं श्री राम मंदिर में दर्शन करके। अभी जो नया मंदिर है उसका काम तो चल रहा है, मतलब तो 3 मंजिल का मंदिर है, तो उसकी जो नीचे वाली मंजिल है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो बाकी 2 मंजिल शेष है, फिर उसके ऊपर बनेगा सीखा। मतलब तो अभी तो टाइम है नया मंदिर बनने में, तो अब हम जाएंगे दशरथ महल में। ये है दशरथ महल, ये है दशरथ जी का महल। ये है राजा दशरथ जी का महल। Thank you.
तो हो चुकी है रात और हम लोग आ चुके हैं अभी वाराणसी में, जो कि अयोध्या से 220 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे काशी विश्वनाथ की ज्योतिर्लिंग है, तो हम वहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। अभी रात हो चुकी है तो हम लोग अभी सो जाते हैं और मिलते हैं कल अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।